महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले दही हंडी उत्सव की धूम है। बीजेपी की तरफ मंगलवार को मुंबई की वर्ली विधानसभा चुनाव क्षेत्र में इस उत्सव का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दही हंडी फोड़ी। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि 2024 विधानसभा चुनाव की हंडी भी हम फोड़ेंगे। इस महोत्सव के दौरान फडणवीस ने बातचीत में कहा, जो श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं वही आने वाले विधानसभा चुनाव की हंडी फोड़ेंगे। आने वाले समय में महायुति ही विधानसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा, मालवन में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की घटना हुई उसे लेकर राजनीति बंद होनी चाहिए। उन्होंने उससे भी बढ़कर प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले दही हंडी उत्सव की धूम है। बीजेपी की तरफ मंगलवार को मुंबई की वर्ली विधानसभा चुनाव क्षेत्र में इस उत्सव का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दही हंडी फोड़ी। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि 2024 विधानसभा चुनाव की हंडी भी हम फोड़ेंगे। इस महोत्सव के दौरान फडणवीस ने बातचीत में कहा, जो श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं वही आने वाले विधानसभा चुनाव की हंडी फोड़ेंगे। आने वाले समय में महायुति ही विधानसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा, मालवन में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की घटना हुई उसे लेकर राजनीति बंद होनी चाहिए। उन्होंने उससे भी बढ़कर प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन दिया।